लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम सबने पढ़ लिया होगा, इसमें रिक्वायरमेंट अगर पढ़े, कहते प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई, जो नॉर्मली हम बनाते हैं वही नोट है ये, द सेम नोट, यानी कि पीपीई का शेड्यूल जो हम बनाते हैं वही वर्किंग है ये। इसमें एक नई चीज, इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव फिगर्स। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि अगर आप ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 स्टेटमेंट बना रहे हैं एसओएफपी या प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको पिछले साल का भी साथ में एज ए कंपैरिजन देन कि लास्ट ईयर इसकी क्या वैल्यू थी। इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव्स। लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में आपने देनी होती है, दो कॉलम्स बने, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊँ एसओएफपी का या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, एज एट यहां पे मैं लिख दूंगा 31 दिसंबर 2000, कौन सा करंट ईयर है, करंट ईयर है 2015, 2015, 2015, ये करंट ईयर है। अब कंपैरेटिव जो होता है वो दूसरी साइड पे आएगा, ठीक है, राइट साइड 31 दिसंबर 2014। अब ये जो कॉलम है इसको कॉलम को हम कहते हैं ये कंपैरेटिव है, बिकॉज वी आर गिविंग द रिलेटेड फिगर एट द एंड ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। तो जब आप रिलेटेड फिगर जो है लास्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या थी वो भी साथ में रिपोर्ट करेंगे, तो इसको, इस कॉलम को क्या कहते हैं, लास्ट ईयर कॉलम, इट इज नोन एज कंपैरेटिव। ठीक हो गया, मतलब आप पीपी की कैरिंग वैल्यू पिछले साल के एंड पे क्या थी और पीपी की कैरिंग वैल्यू इस साल के एंड पे क्या है, तो दिस इज मीन्स यू आर गिविंग अ कंपैरेटिव, दो साल बन गए तो ये कंपैरेटिव। इसी तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस पे, अगर ये वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ये हम वैसे, सॉरी क्यों, वो तो हुई है लेकिन कंपैरेटिव तो एक साल का होगा ना, IS-1 के मुताबिक कंपैरेटिव 1 ईयर का होता है, पिछले साल, वो तो आप अपनी वर्किंग में करते रहे, आप अपनी वर्किंग के अंदर, वो तो 2013 से लेकर आएंगे आप उसको, वो तो आपकी वर्किंग, लेकिन जो फेस ऑफ द एसओएफपी या नोट्स टू द अकाउंट में कंपैरेटिव चला गया वो एक साल का हो, यानी कि पिछला एक अकाउंटिंग। ठीक हो गया, अब ये पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएं एसओएफपी का, लेकिन हम इसको शामिल कर रहे हैं ताकि हम इसको अगर आ जाए तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक, इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर एंडिंग, अब यहाँ पे लिख देना 31 दिसंबर 2014, ये क्या बन गया जनाब, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट के साथ एसओएफपी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब कंपैरेटिव के बारे में अगर आप देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ सिंपल मीनिंग इज कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए कंपैरिजन फॉर द यूज़र आपने साथ में इशू करनी, ताकि यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपेयर कर सकें कि पूरे एक साल में क्या चेंजेस आए, यही चीज़ पिछले साल क्या थी। इससे क्या होता है, इससे हम यूज़र की जो डिसीजन मेकिंग है उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, सो दैट दे कैन कंपेयर कि पॉजिटिव चेंज आया है या कि नेगेटिव चेंज आ रहा है। तो इट्स कंपैरिजन जो है वो बेहतर इवेल्युएशन के लिए, यूज़र की फैसिलिटेट करने के लिए हम उनको देते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। ठीक हो गया जनाब, तो दिस इज जनरली नोन एज कंपैरेटिव्स। ये जब आप पूरी किसी भी लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप डाउनलोड करके देखें, अगर इंडस मोटर्स की कोई भी आप लिस्टेड कंपनी ले लें, इंटरनेट पर उनकी वेबसाइट पर जाएं, डाउनलोड करें, अगर आप 2017 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ दूसरा कॉलम जो होगा वो 2016 का होगा, तो दैट इज़ अ कंपैरेटिव। रिक्वायरमेंट किसके अंडर है, ये IS-1 के अंडर रिक्वायरमेंट। सही हो गया, अब हम चलते हैं जनाब आपके सवाल में। सवाल है नोट बनाए, तो नोट तो वही है जो हम पहले बना रहे थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, तो कैसे बना रहे थे जनाब हम नोट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ला रहा है इसमें कंपैरेटिव, इसमें भी आपको 2 सालों के साथ साथ चलाने पड़ेंगे। कौन सा एसेट है हमारे पास? एसेट एक ही है एंड दैट इज अ बिल्डिंग। ठीक, बिल्डिंग है हमारे पास, सही हो गया। तो क्या करें, पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? ऑब्लिक वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यूएशन। अब आगे 3 कॉलम हम 3 एसेट्स के बना सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग। पहले हम ऐसे कर रहे थे, आज क्या कर ले, आज 2 ईयर बना लेते हैं। इस साइड पे 15 बना लेते हैं, उस साइड पे 14 बना लेते हैं, 2 कॉलम बच जाएंगे, कंपैरिजन हो गया। यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 2015, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2014, कंपैरिजन बन गया। अब आगे वही स्टोरी, एट द स्टार्ट, ड्यूरिंग द ईयर, एट द एंड, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, सारी स्टोरी हुई, सही हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूँ जनाब, फिगर्स किस में, मिलियंस में, थाउजेंड मिलियंस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लिखते हैं एट द स्टार्ट, अब 2014 का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2013 का क्लोजिंग बैलेंस, और 2015 का ओपनिंग 2014 का क्लोजिंग, दो अकाउंट बन गया, 2 साल बनाने। अब आप ठीक हो गया, अब आप क्वेश्चन पढ़ें और इस फॉर्मेट में इसको फिल करें। ठीक, देखें कहाँ से शुरू होता है सवाल। कहते हैं जनाब ये कुछ 4 बिल्डिंग्स थी, एक ही जगह पर खरीदी गई, इन द सेम विसिनिटी, जनवरी 2012। ठीक, जनवरी 2012, दिसंबर 2012, फिर जनवरी 2013 आएगा, फिर 31 दिसंबर 2013 आएगा जो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट? आप प्लान आउट करें अगर सवाल को, कि आप फिगर्स किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, और थोड़ी गैप में आप क्या लिख देंगे, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया जनाब, एट द स्टार्ट। एट द स्टार्ट, अब आप देखें जनाब, जब हम जनवरी 2012 को आपने बिल्डिंग खरीद ली है, कितने की? 300, सही हो गया। और कह रहे जनाब 20 साल यूजफुल लाइफ, सही हो गया। तो कितनी होगी डेप्रिसिएशन? 15, 15 हो गया जनाब, चले पर ही हो। डेप्रिसिएट बिल्डिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, चले जी। तीसरी बात आ गई, द रिजल्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स बाय द प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यू आर एस, यकम जनवरी 2013, मतलब 31 दिसंबर 2012, ये कह सकते हैं ना, यहाँ अकाउंटिंग ईयर के शुरू में रीवैल्यूएशन हो। 2013 323, जनवरी 2014 252, और फिर जनवरी 2015 272, 3 वैल्यूज आ गई, 3 रीवैल्यूएशन। 30 जून 2015 यानी कि मिड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एक बिल्डिंग जो है उन्होंने बेच दी है, कितने की जनाब? 80, बस खत्म हो गया सवाल। अब ये इंफॉर्मेशन आपने इस नोट के अंदर सेटल डाउन करनी है। अब आप देखें, जब आप रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, किस डेट को कर रहे हैं? एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब थोड़ी सी अगर आप अपने पास वर्किंग करें खुद से, जनवरी 2012 300 की बिल्डिंग, जब दिसंबर 2012 आया होगा तो अकामुलेट डेप्रिसिएशन पे कितना बैलेंस होगा? तो हम कहते हैं जी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन पे बैलेंस होगा 15, इट्स अ 15। अब 31 दिसंबर 2012 को रीवैल्यूएशन नहीं हुई, रीवैल्यूएशन कब हो रही है? जनवरी 2013, और कितनी हो गई है? 323। इसका मतलब है कितने से रिवैल्यूएशन होगी? तो हम कहते हैं 23 जमा 15, एक अकाउंटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई और एक उसकी 300 से ऊपर वैल्यू गई, 23 जमा कितना हो गया? 23 जमा 15, ठीक।
अगर मैं यहाँ पे डबल एंट्रीज करूँ, तो डबल एंट्रीज अगर हम करें, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज़, कि हम क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी 2013 रीवैल्यूएशन, क्या एंट्री होगी? सबसे पहले हमें कहा गया जी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको आप कर दें नील, ऐसे ही अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन नील, कितने से होगी नील? तो हम कहते हैं 15। टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व ये कितने से होगा जनाब? तो हम कहा जी उसकी कैरिंग वैल्यू है 300 माइनस 15 विच इज 285, और उसकी फेयर वैल्यू है 323। तो 323 माइनस 285, तो इट बिकम्स 38, एंड द बिल्डिंग अकाउंट डेबिट विथ 23। ठीक, ये हो गया 1 जनवरी 2013। अब आप आएंगे 31 दिसंबर 2013, अब आप उस साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, ऐसे ही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने बिल आप 323 डिवाइडेड बाय 19, 323 डिवाइडेड बाय 19 कितने आए? 17, 17, सही हो गया। फिर आप रियलाइजेशन कर लेंगे, रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने का आ गए? 2 ले जाओ, सही हो गया। अब आ गए हम 31 दिसंबर 2013 के एंड पे, यानी कि जनवरी 2014 आ गए, 1 जनवरी 2014। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे बैलेंस लिखें एट द स्टार्ट कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन ये कितनी है जनाब? 323, 323 सही हो गया। और जनाब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है 17, इट्स 17। रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर हम यहाँ पे बना लें अपने पास, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने जनाब एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी 2014? तो हम कहते हैं जनाब 38 माइनस 2, तो ओपनिंग बैलेंस विल बी 36। 36 ही होगा ना इसका ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल के शुरू में 38 था, 2 का रियलाइज हुआ, बाकी कितना बच गया? 36। सो वी कैन राइट है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग बैलेंस थर्टी सिक्स, 36 हो गया, यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है हमारी आंसर के अंदर 2014 वो शुरू हो गया, नॉट स्टार्टेड। 1 जनवरी 2014 को आपने इसको फिर रीवैल्यू कर दिया ऐसे, और 252 पे कर दिया, 252 पर रीवैल्यू, यानी कि अब आपके पास आ गया रीवैल्यूएशन लॉस, और देर इज अ रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक, तो क्या करना है जनाब, हमने एंट्रीज क्या करनी है हमने? तो हम कहते हैं जी हमने एंट्रीज करनी है जनवरी 2014, हमने एंट्रीज करनी है सबसे पहले वही अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अब लॉस कितना आया? तो हम कहते हैं लॉस आया 323 माइनस 17, कितना आया जनाब? कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? तो हम कहते हैं कैरिंग वैल्यू है इसकी 323 माइनस 17, कितना आ गया? 306। और फेयर वैल्यू हमें बता रहा है जनाब कितनी है? 252। तो कितना डिफरेंस आ गया? सो देयर इज अ लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ 54। वो कल वाला रूल आ गया जनाब, लॉस पहले किसको चार्ज करना हमने? रीवैल्यूएशन रिजर्व को। ओवर एंड अबव किसको चार्ज करना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही हो गया जनाब।
अब आप फिर कर लें जनाब। डबल एंट्री क्या करेंगे जनाब, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से जनाब 17, ठीक। रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट विद 36, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद 36 और 54 का फर्क कितना 18, टू बिल्डिंग्स 71, ये डबल एंट्री होगी, टू बिल्डिंग्स 71। अब आप इसको जेकब जनवरी 2014 पोस्ट करते हैं जनाब इसको अपनी वर्किंग के अंदर, ठीक। क्या हुआ जनाब, रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन लॉस आ गया कितने से बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट आया 71, सो इट्स अ माइनस। अगर आप इसमें 71 माइनस करेंगे तो इट इज 252, जो कि स्टार्ट ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन निल, सेवनटीन माइनस, ये भी जीरो, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप बना रहे हैं 2014 का, रीवैल्यूएशन रिजर्व ये भी खत्म हो जाएगा जी। बिल्डिंग्स को आप 36, दिस इज अगेन निल, ये भी जीरो हो गया। और बाकी लॉस आपने कहाँ रिपोर्ट किया होगा 2014 में प्रॉफिट एंड लॉस में, वो इधर आ जाएगा, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस में आप लॉस कितना रिपोर्ट कर रहे हैं, इट इज 18, सही हो गया जनाब। अब आप 2014 के एंड पे आए, फिर वही पुरानी स्टोरी, क्या होगा जी, डेप्रिसिएशन लेंगे आप, कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, तो कहते हैं इट विल बी 252 डिवाइडेड बाय 18, 252 डिवाइडेड बाय 18। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, एंट्री क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कितनी डेप्रिसिएशन आई, 252 डिवाइडेड बाय 18 कितना आता है 14, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया, सही हो गया जनाब। दूसरी एंट्री कौन सी होनी थी, रिजर्व की रियलाइजेशन की, रिजर्व अब हमारे पास है नहीं, उसको जाने दें, अब खत्म होगी स्टोरी, ठीक हो गया। हमारे पास अब आप देखें साल के एंड पे, एट द एंड 2014 के एंड पे बिल्डिंग की वैल्यू क्या आ रही है, 323 माइनस 71 जो विट इज 252, और यहाँ पर इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है एट द एंड 14, तो कैरिंग वैल्यू कितनी बन गई, 252 माइनस 14 कितना बन गया है 238, 238 बन गया। अब आप 2015 में आ जाए, 2015 में एट द स्टार्ट कितनी वैल्यू होगी 252, अकामुलेट डेप्रिसिएशन कितनी होगी 14, 14, सही हो गया। 2015 आ गया, 2014 आपने डील कर लिया, नाउ यू आर इन 2015, 2015 में साल के शुरू में रीवैल्यूएशन होती है कितने से 272, 272 इज द वैल्यू। और हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 252 माइनस 14 इज द कैरिंग वैल्यू, कितनी बनी 238, और वो कह रहे हैं इसको ले जाएं 272 पे, कितने का इंक्रीज आया 34। अब वही कल वाला, पिछले तीन दिन से हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, ठीक, 34 का इंक्रीज आ गया। अब हमने क्या करना है, इंक्रीज इन वैल्यू जब हमने रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले क्रेडिट किसको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना क्रेडिट करना है, जितना हमने प्रीवियसली लॉस रिकॉग्नाइज किया माइनस रियलाइजेशन। पीएनएल में कितना लॉस है जी 18, इस साल हमने डेप्रिसिएशन कितनी ली, पिछले साल 14, नॉर्मल कितनी डेप्रिसिएशन बनती थी 15, तो एक से रियलाइज, इसका मतलब मैक्सिमम क्रेडिट कितना जाएगा पीएनएल को 17 का जाएगा, ओवर एंड अबव कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन विल बी इन द रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो करें जी एंट्री पोस्ट, मिस कैसे लिखेंगे इस टेबल के अंदर ये एंट्री
कैरिंग वैल्यू क्या है बिल्डिंग की एट द स्टार्ट ऑफ द 2015? तो क्या दे रहे, इज 238, ऐसी है वो हमने लिखी हुई 238। और फेयर वैल्यू कितनी बता रहे हैं हम, 272। कितने का इंक्रीज आ गया, 34। ये हमारे पास समरी है, 34 का ये इनकॉर्पोरेट करना है। कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, पहले हमने कहा अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, तो इट इज 14। ठीक हो गया, 34 का इंक्रीज आपने रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए हमने कहा जनाब सबसे पहले इंक्रीज किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का, तो हमने कहा जी लास्ट टाइम हमने इसमें 18 का लॉस चार्ज किया था, तो एक साल चूंकि गुजर चुका है, तो एक का रियलाइजेशन के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो कितना है, 17। सो इट इज 17। ठीक हो गया, फिर हमने कहा रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगी, कितने से क्रेडिट होगा, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, 34 माइनस 17 कितना आ गया, 17। अब डिफरेंस कितना बन गया, 20। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट विद 20, एंट्री पूरी होगी। आप इधर पोस्ट करते हो क्या, आपने वर्किंग की, आपको पता चल गया बिल्डिंग को इंक्रीज करना है आपने 34 से नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं जनाब स्टोरी क्या बन रही है, 14 से डेप्रिसिएशन डेबिट, ठीक ये हमें पता है, 17 P&L में क्रेडिट जाएगा ये हमें पता है, ओवर एंड अबव गोज टू द रिवैल्यू, ये सारी तीनों बातें हमें पता है। ये क्या है, फोर्थ वन इज द बैलेंसिंग फिगर टू मेक द डबल एंट्री इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, तो 20 यहाँ पे आ गए। अब आप देखें यहाँ पे जब मैं 20 लिखूंगा तो ये कितनी बन जाएगी बिल्डिंग, 272 हो गया ना स्टार्ट ऑफ द ईयर, जो उसकी वैल्यू में बता रहा है कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 272। इधर ये क्या हो गई, होगी नील, तो द बिल्डिंग इज एट 272, सही हो गया। तो अब आप इसको पोस्ट कर ले जनाब, हमारे पास जनाब लास्ट ईयर क्या हुआ जनाब, कि हमारे पास बिल्डिंग्स जो है वो 36, ठीक हो गया, ये जीरो हो गया था, और फिर हमारे पास था रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस था 18 का, बीच में से एक गया, बाकी बचा 17, वो भी हो गया जीरो। ठीक, अब हमारे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर पे कितना रीवैल्यूएशन आ गई है एट द स्टार्ट, तो हमारे पास आ गया है जनाब 17, 17 इज एट द स्टार्ट, इट इज इन 2015, 17 का रीवैल्यूएशन रिजर्व है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्रेडिट दे दिया 17 का। ठीक, और अब हमारा नोट जो है इट इज़ रेडी टू गो प्रोसीड, आगे फर्दर जाने के लिए तैयार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रीवैल्यूएशन 20 का डेबिट, यहाँ पे आप लिख देंगे 14 का डेबिट, दैट सेट हमारी बिल्डिंग जो है वो 272 पे आ गई। अब वो कहता है जनाब फिर क्या हुआ, फिर वो कहता है जनाब मिड ऑफ द ईयर में जाके वन ऑफ द बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹80 मिलियन। अब हमें याद है कि ये एक्चुअली चार बिल्डिंग्स, दे आर फोर बिल्डिंग्स, 252 प्लस 20 दैट इज 272 डिवाइड बाय 4, सो देयर इज अ वन बिल्डिंग कॉस्ट, ऐसे एक बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाएगी 68। इसी तरह हमारे पास अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कितने माह की हम लेंगे, सबसे पहले 6 माह की लेंगे अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल तक आप उसकी जनाब लेंगे डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट करें 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कितनी आती है, तो हम कहेंगे जनाब कैसे कैलकुलेट होनी है, 272 डिवाइडेड बाय कितने साल जनाब, 3 साल गुजर गए, 12 गुजरा, 13 गुजरा, 14 गुजरा, नाउ वी आर इन 15, सो इसका मतलब रिमेनिंग कितनी बनी लाइफ, 17। सो डेप्रिसिएशन आई 272 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ विच इज 17 ईयर्स, कितनी बन गई पर ईयर, 8, टोटल 16, टोटल 16, और 6 माह की कितनी बन गई, इट्स एन 8। तो कहां पे लिखेंगे जनाब हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर
यहाँ पे आप लिख लें फर्स्ट 6 मंथ कितनी आ गई, एट, इट्स एट, ठीक हो गया, एट आ गई जनाब। अब आपने बिल्डिंग बेच दी, एंट्री हमने वही की है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब एक बिल्डिंग जो है वो आपने बेच दी, वन ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन सोल्ड, डिस्पोजल की एंट्री क्या करनी है, एसेट अकाउंट क्रेडिट, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिफरेंशियल विल गोज टू द डी रिकग्निशन ऑफ इट। ऐसे ही करते हैं ना, डी रिकग्निशन कैसे करनी है जनाब, हमने डी रिकग्निशन तो हम कहते हैं जनाब हम करेंगे जी डिस्पोजल की एंट्री। एक वन ऑफ द बिल्डिंग आपने बेच दी तो हमारे पास टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट अकाउंट में कितना आ रहा है वैल्यूएशन में, 272, उसको आप 4 से डिवाइड करें, एक बिल्डिंग आ जाएगी जो बिग गई, 272 डिवाइड बाय 4, 4 बिल्डिंग की वैल्यू है ना वो, ठीक, तो आप उसे 4 से डिवाइड करें तो 2 बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी वो भी आज वो भी वही आ जाएगी ना, अभी देखो 2 बिल्डिंग कितना आ गया, 272 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 60। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट वो कितनी आएगी जनाब, 8 को 4 से डिवाइड करते हैं भाई क्या बचा, 2, तो देखिए कैरिंग वैल्यू आ गई ना आपको 66 आ गई। लेकिन अगर आप स्ट्रेट अवे कैरिंग वैल्यू लेंगे तो आपके नोट डिस्टर्ब हो जाएगा, नोट डिस्टर्ब हो जाएगा वहां पे, फिर आप अगर 66 लिखोगे यहां पे तो ये गलत हो जाएगा। नोट में आपने उस एसेट से कॉस्ट भी आपने डी रिकग्नाइज करनी है और उस एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन जो आप ले चुके हैं वो भी डी रिकग्नाइज करनी, तो दोनों चीजें आपने एग्जिट देनी, ठीक। तो कॉस्ट अकाउंट या वैल्यूएशन अकाउंट जो एसेट का वो हो गया क्रेडिट, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी डेबिट, भेजा कितने का हमने 80 मिलियन का, तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट विद 80, सो द डिफरेंशियल गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 82 माइनस 68 कितना आया, दिस इज द एंट्री फॉर द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, सो दैट इज द डिस्पोजल। अब आप इस एंट्री को यहां पे पोस्ट कर सकते हैं, डिस्पोजल्स कितने का हो गया जी डिस्पोजल, सो हियर वी आर विद 68 डिस्पोजल, टू जो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आप गेन ऑन डिस्पोजल लिख रहे हो, सही हो गया जनाब। चल अब हम चलते हैं जनाब अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक हो गया, हमने जनाब एक बिल्डिंग जो है वो बेच दी है, इसका मतलब है एक बिल्डिंग से रिलेटेड जो रिजर्व है वो रियलाइज हो, पहले 6 माह एक्सेस डेप्रिसिएशन की सूरत में और बाकी आपने चूंकि बेच दिया तो वो रियलाइज हो, तो 17 चार बिल्डिंग्स का 17 ही पड़ा ना हमारे पास, इट्स बिलोंग्स टू 4 बिल्डिंग डिवाइड बाय 4 करें, एक बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा कितना आ गया 4 पॉइंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 पॉइंट। चल एक बिल्डिंग बिक गई, उसकी पहले 6 माह की एक्सेस डेप्रिसिएशन भी और प्लस उससे रिलेटेड सारे का सारा आपने रियलाइज कर लिया, अब बाकी बची हैं 3 बिल्डिंग्स, नाउ वी आर लेफ्ट विद 3 बिल्डिंग्स। अब आप जब बाकी 6 माह की डेप्रिसिएशन लेंगे ना, इट्स 6 मंथ, 4 बिल्डिंग्स की थी, अब आपने कितनी बिल्डिंग की लेनी है, रिमेनिंग 3 बिल्डिंग्स 6 मंथ, चलिए कैलकुलेट करें कितनी आती, इट्स 6, ठीक हो गया, सो इट्स 6 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व बाकी 3 बिल्डिंग्स का रियलाइज कर लो, कितना होता है रियलाइज, तो हम कहते हैं 17 में से 4 सर या 2-5 निकाल दें, बाकी 3 बचा कितना रह गया बाकी 12.4, उसको कितने से डिवाइड करते हैं, 17 से डिवाइड कर दें 0.75,
रिटेन्ड अर्निंग्स 0.75। समझ आया मैथमेटिक्स, सादा सा मैथमेटिक्स। 17 था चार बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन, एक तो बिक गई वो मैंने निकाल दी 4.25, बाकी कितना बच गया रिवैल्यूएशन रिजर्व 17 माइनस 4.25, तो ये बच गया जनाब 12.75। ये कितनी बिल्डिंग से रिलेट करता है? तीन बिल्डिंग से। कितने सालों में रियलाइज होगा? 17 सालों में। डिवाइड बाय 17 करें पर ईयर रियलाइजेशन वैल्यू, दैट इज 0.75। नाउ इट इज एट द एंड, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व की मूवमेंट आ गई, सही हो गया। अब आप यहां पे भी आ सकते हैं एट द एंड नाउ, 252 प्लस 20 माइनस 68 कितना बन गया? 272 माइनस 204, इधर क्या आ गया जी एट द एंड? 8 जमा 6 12, 204 माइनस 12 दैट इज द कैरिंग वैल्यू एट द एंड। अब यहां से इसको उठाएं और इधर लिखते हैं जनाब बिल्डिंग, पीपी में क्या है जी हमारे पास बिल्डिंग, और 2015 के एंड पे इसकी वैल्यू है 192 और लास्ट ईयर के एंड पे इसकी वैल्यू थी 238। दिस इज द फेस ऑफ द एसेट, सही हो गया। अब ये बन गया मेन नोट हमारे पास, दैट इज द मेन नोट। अब IS-16 ये कहता है कि जब आप पीपी का नोट बनाए और एसेट जो है वो रीवैल्यू हुए हो तो आपने उसमें एक क्वालिटेटिव नोट भी देना होता है, और वो क्या है कि आपने ये बताना होता है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू वाज इन्वॉल्व, जिसका नाम आपने बताया गया जनाब, ये साहब थे जिन्होंने वैल्यूएशन की, तो आपने सवाल में लिखा हुआ क्या नाम है उसका, उसका नाम लिख देना आपने नीचे पेपर के अंदर इस नोट के बाद कि ड्यूरिंग द ईयर द एसेट हैज बीन रीवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर फलां, इसने वैल्यू किए थे जनाब। यूजर को बताना आपने कि वैल्यूएशन किसने की, कौन साहब थे जिन्होंने वैल्यूएशन की, तो इंडिपेंडेंट था कि नहीं था, ये ना हो कि कंपनी की मैनेजमेंट की मर्जी जो कह रहे हो वैसे कर दिया हो, ऐसे तो नहीं था, ठीक हो गया। दूसरा आपने एक और चीज बनानी, जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं तो IS-16 कहता है नोट्स टू द अकाउंट में, आपने ये तो बना लिया, आपने साथ में ये भी बताना है कि अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता इन प्लेस ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल, अगर बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे चल रही होती तो फिर इसकी कैरिंग वैल्यूज क्या होती, यानी कि कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर ये कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता तो फिर इनकी वैल्यूज क्या होती। तो कॉस्ट मॉडल आपको पता है जी क्या होता है, तो वो कहते हैं कॉस्ट मॉडल कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कर लेंगे कैलकुलेट क्या आएगी। तो आपने कहा जी बिल्डिंग थी 300 की, 20 साल उसकी यूजफुल लाइफ थी, ऐसे तो 15 आ रही थी पर एनम डेप्रिसिएशन। 2014 के एंड पे जब हम आएंगे तो 2 साल गुजर चुके होंगे, 12 गुजरा होगा 13 गुजरा होगा, अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 12 13 और 14 3 साल से होगी, ठीक, तो अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, होगी 45। तो कैरिंग वैल्यू 2014 के एंड पे क्या आ रही होगी, 300 माइनस 45 2 2 डबल 5। क्या बना रहे हैं हम यहां पे कि कॉस्ट मॉडल अगर हम यूज करते तो फिर कैरिंग वैल्यूज क्या आती। ये आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है यूजर को नोट्स टू द अकाउंट में कि ऑल दो कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है, लेकिन यूजर को हम ये भी बता रहे होते हैं कि अगर कॉस्ट मॉडल चल रहा होता तो फिर क्या वैल्यूज होती, व्हाट शुड बी द वैल्यू, ठीक। तो 2014 के एंड पे आती 255, तो 2015 के एंड पे क्या आती, तो हम कहते तीन प्रॉपर्टीज बच गई, एक तो बिक गई, ठीक, चार प्रॉपर्टीज कितने की थी, तो हमने कहा थी वो थी हमारे पास 300 की, तो तीन कितने की थी, फिर 300 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना यार, 225, सही हो गया। और कितने सालों की डेप्रिसिएशन हो चुकी है, 4 साल, तो 225 225 डिवाइड बाय 20 पर ईयर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 45, 255 माइनस 45 क्या आया था पहले, 225 माइनस कितना आ गया, 180, 180
समझ आया क्या किया हम? सादा सी कैलकुलेशन देखे क्या हुआ 2014 में। अब आप देखें ये पेपर में अगर आप ऐसे लिख देंगे इट इज सफिशियंट इनफ। यहां पे आप लिखेंगे 300 -45 तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट इज 245। जब आप 2015 लिखेंगे तो आप लिखेंगे जनाब 300 माइनस वो एसेट जो डिस्पोज्ड ऑफ हो, जो आपने एसेट बेच दिया था, एक बिल्डिंग बेच दी ना ड्यूरिंग द ईयर, ठीक हो गया। कितने की थी? इसका मतलब बाकी क्या बच गया? 225 सही हो गया। और दूसरा आपने एक बिल्डिंग बेच दी तो उसकी डेप्रिसिएशन अकामुलेटेड में ना लाए, तीन बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन लाए, ठीक। चार पे आ रही थी 15, तीन पे कितनी आ रही होगी? 11.25। 4 साल हो गए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, -45 दैट इज द फास्ट कैलकुलेशन। समझ आ गई होगी आप? अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया, आंसर पूरा हो गया। अब आप देखें अगर आप इसको कंपेयर करें, वो जो हम पिछले तीन सवाल किए और आज हम फोर्थ क्वेश्चन करें, अगर आप गौर करें एग्जामिनर एक ही कॉन्सेप्ट के गिर्द घूमे जा रहे, ठीक। पहले उसको लॉस करवाता है, फिर उसको ज्यादा करवाता है, यानी पहली साल होता है जिसमें गेन होता है, फिर क्या होता है? लॉस होता है, फिर क्या होता है? गेन हो जाता है। कभी जनरल एंट्री पास कराता है, कभी नोट बनवा रहा है, कॉन्सेप्ट एक ही है, कैलकुलेशन एक ही है। द ओनली थिंग जो वो चेंज कर रहा है इज हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। वही चीज आपने मल्टीपल सिनेरियोज में, मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर आंसर्स में कैसे आपने रिपोर्ट करनी है एग्जामिनर, और इसमें कोई फर्क नहीं, वही सवाल बार बार डीटो कॉपी। अब आप इससे पहले कि हम अगले सवाल पे जाएं, अभी तक जेन में जो कन्फ्यूजन हैं वो आप लोग में से डिस्कस करें ताकि हम जो है वो फिर आगे जाएं। अदरवाइज ये जो एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड है ये टॉप इम्पॉर्टेंट है, मतलब पेपर में अगर 16 में सवाल एग्जामिनर सोचेगा कि वो देगा तो वो इस एरिया में से देगा, ठीक। इसके अलावा जो एरियाज हैं दे आर कंसिडर्ड एज वेरी इजी बिकॉज इंट्रो में भी आप पढ़ कर आते हो, तो FR1 के अंदर जो है दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन इन IS 16। मैंने पहले भी समझाया था, फिर दोबारा देखें, जैसे हमने कहा जनाब ये वो एंट्री मैंने ख़त्म कर दी, 18 का लॉस था जिस साल हमने रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया, तो P&L में 18 का लॉस गया। अब लेटर ईयर में जब इंक्रीज आया तो हमने P&L को 17 का क्रेडिट दी, 18 का क्रेडिट नहीं दी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट इट इज 18। तो मैं आपको पहले भी इसका आंसर दे रहा था कि जब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस P&L में कम हो जाता है। मतलब एक एसेट पे 15 डेप्रिसिएशन आ रही थी इसके अंदर बिफोर द लॉस, मतलब शुरू पहला साल अगर आप गौर करें तो कितनी थी? 15। उसके बाद वो जब रीवैल्यू हुआ तो डेप्रिसिएशन बन गई 17, 2 का इंक्रीज आया 15 से, तो वो हमने कहा ये रिजर्व में से रियलाइजेशन हो गई, हमने एंट्री की रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट रिकॉर्ड किया उसको। उसके बाद जब लॉस आया तो डेप्रिसिएशन बन गई 14। इसका मतलब है कि जब हम जिस साल लॉस आपने रिकॉर्ड किया जो कि 2014 है, 14 ही था ना 2014 में, उस साल डेफिसिट कितनी आपने P&L को डेबिट की होगी? 14। हालांकि जानी कितनी थी? इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक का क्रेडिट चला गया, जाना 15 का डेबिट था लेकिन गया कितने का? तो ये एक का जो क्रेडिट गया है ये किस वजह से गया है? वो जो आपने प्रीवियसली लॉस रिकॉर्ड कर लिया, जो इस साल रिवैल्यूएशन लॉस आपने रिकॉर्ड किया उसकी वजह से हुआ है ना ये। इसका मतलब है कि जब एसेट की वैल्यू में लेटर ऑन इंक्रीज आएगा तो आप जब उसको P&L को क्रेडिट देंगे तो आप कहेंगे देखें एक का क्रेडिट तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं इन द शेप ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन, अब उसके अलावा बचते हैं 17, 17 का क्रेडिट दे दिए, ठीक हो गया। तो ये वही स्टोरी है क्योंकि वो उसके हिसाब से खुद ब खुद हो रही होती। और कोई सवाल? क्यों ना आपका रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट बदला, तो वैसे हम क्या कर रहे होते हैं? रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। फिर आप क्या करेंगे? रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो वो तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के तौर पे होगा और वो उसी तरह प्रोस्पेक्टिव होगा।
पीएनएल में जो आएगा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले अदर इनकम में जो प्रॉफिट आप लेंगे वो 14, ये जो ट्रांसफर है ये कहाँ पर हो रही है, ये रिजर्व से इक्विटी में, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में हो रही है, ये पीएनएल के फेस में यानी कि अदर इनकम्स में आप 4-3 या 2-5 नहीं लिखेंगे, ये इसकी ट्रांसफर कहाँ पे होनी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर, यानी कि रिजर्व में से निकल के रिटेन्ड अर्निंग में चला जाए। रिटेन्ड अर्निंग जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व होते हैं। ओवर द ईयर कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या होता है, जब आपके कंपनी प्रॉफिट रिटेन जब करती है तो इसका मतलब होता है कि आपने प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दी। जब आप कहते हैं प्रॉफिट रिटेन्ड, इसका मतलब कंपनी ने बिजनेस में प्रॉफिट जो था वो दोबारा एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। एक तो होता है ना ऑनर ड्राइंग कर ले या डिविडेंड दे दिया जाए, इसका मतलब है प्रॉफिट्स विदड्रॉ कर लिए गए। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रॉफिट्स अकमुलेट हो रहा है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो इट मींस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसको बिजनेस के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट करती जा रही है। ठीक, अब रिटेन्ड अर्निंग्स मीन ओवर द ईयर जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए उसको आपने दोबारा बिजनेस में जो री इन्वेस्ट किया वो इतनी अमाउंट। ठीक, अब लॉ ये कहता है, कंपनी लॉ कहता है अगर आप कंपनी मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हमने डिविडेंड देना, तो इट कैन ओनली बी गिवन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स लॉ ये कहता है वो होते हैं जो रियलाइज्ड होते हैं, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो बिजनेस ने अर्न कर रही है उनमें से आप डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक, तो ये जो इक्विटी है रीवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब आप सोच रहे हैं कि जनाब कंपनी ने शेयर इशू किए और शेयर होल्डर ने पैसे दिए और आप उन्हीं पैसों में से शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो, तो ये तो फ्रॉड है ना उनके साथ, उन्हीं की एसेट्स की वैल्यू चेंज आए उसी में से आप डिविडेंड दे रहे हो, तो ये तो ज्यादा। तो बेसिकली रूल ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से, रिटेन्ड अर्निंग में से प्रॉफिट दिया जा सके, इसके अलावा आप प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि जो शेयर कैपिटल की अमाउंट होती है, शेयर प्रीमियम की अमाउंट होती है, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड अदर रिजर्व, ये जनरली अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं, ये जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं उनका बड़ा कंसर्न होता है कि इतने एसेट्स नहीं आपने डिस्ट्रीब्यूट करना, कल को अगर कंपनी बंद होगी तो हम अपने लोन कहाँ से लेंगे, अगर शेयर होल्डर को ओनर ऑफ द कंपनी को आपने कोई रिटर्न देना है तो वो रिटेन अर्निंग में से दे। ठीक, तो अगर शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर से कहें जनाब आपने हमें पैसे डिविडेंड के तौर पर सारे निकाल दें, तो फिर क्रेडिटर्स की जो कंपनी पे लाइबिलिटीज है वो कैसे पूरी होंगी। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आर द ओनली अलाउड बाय द लॉ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड शेयर होल्डर, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट जो है वो हम मेंटेन करते हैं और दैट इज अ रियलाइज्ड गेन्स। इसलिए जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते जाते हैं तो उसका गेन क्या हो रहा होता है, रियलाइज हो रहा होता है, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में शिफ्ट हो रहा है, ये इसका बैकग्राउंड। ठीक, ओवरऑल इक्विटी सेम रहती है लेकिन फर्क आपने ये डाल दिया ना कि उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेबल में से डिस्ट्रीब्यूटेबल में डाल दिया, ये फर्क कोई कम फर्क होता है, इट्स द ह्यूज डिफरेंस। क्रेडिटर एतराज कर लेते हैं इसके, इसको लॉ में कहते हैं क्रेडिटर बफर, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व इज नोन एज क्रेडिटर बफर, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते बाय लॉ, है ना। आपने कंपनी के पास 100 रुपये है फॉर एग्जाम्पल टोटल एसेट्स, अब नेट एसेट्स क्या होते हैं, इक्विटी होती है ना, कंपनी जहाँ वो 100 रुपये में से 70 रुपये शेयर होल्डर को वापस कर दे और लाइबिलिटी आप पे चढ़ी हो 200 रुपये की, तो क्या होगा, अब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब है कंपनी तो चुप करके कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर को किसने पकड़ना, जा लॉ प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्रेडिटर्स को कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कंपनी के साथ उसको उधार पे चीज़ें दे रहे हैं तो आपके उनको कौन सिक्योर करेगा, खास तौर पे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनका कौन वाली वाला, ज़्यादातर क्रेडिटर्स तो प्लेज कर लेते हैं ना कंपनी के एसेट्स को, चार्ज ले लेते हैं उसके ऊपर, लॉ पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उसके साथ आप मिलाएंगे तो आपको और जेन खुलेगा आपका, ये स्टोरी क्या चल रही है। बिल्डिंग में बिल्डिंग तो ऐसी ही थी जैसे ये सेम टू सेम, एक साल बढ़ रहा है दूसरे साल कम हो रहा है, ऐसी है। इक्विपमेंट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आप घर पे जब कैलकुलेट करें, सो देर इज अ शॉर्टकट टू कैलकुलेट अकामोलेटेड डेप्रिसिएशन इन RBI। अब देखिए आपके पास वो कह रहा है 30 जून को आपने हाफ ऑफ द एसेट बेच दी,
हाफ ऑफ द इक्विपमेंट जो आपने यकम जनवरी 2014 को खरीदा था उसका हाफ आपने सेल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे बड़ी लंबी कैलकुलेशन है यार ये, तो वो 2-2.5 साल की डेप्रिसिएशन लेकर आएंगे, पहले 10%, फिर उसकी बुक वैल्यू, फिर उसका 10%, फिर उसकी बुक वैल्यू, फिर 10%, फिर 6/12, 2.5 साल ऐसे ही बनेंगे ना। फिर आपके पास आएगी 2.5 साल की एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका आसान तरीन तरीका ये है कि 50 है उसका हाफ उसने बेच दिया तो इसका मतलब है वो 25, जो एसेट बिका इक्विपमेंट उसकी कॉस्ट है 25, ऐसे ही 25। इसको आप एक दफा मल्टीप्लाई करें 0.9 से तो ये एक साल बाद की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, 10% बाहर हो गया, ठीक हो गया। इसको एक दफा और मल्टीप्लाई करें 0.9 से, ये 2 साल बाद की कैरिंग वैल्यू आ गई। इसको तीसरी दफा मल्टीप्लाई करें 0.95 से, 5%, हाफ ईयर 5% हो गया, 2.5 साल पूरे हो गए। अब आप देखें क्या आंसर क्या आता है यहाँ पे, कैलकुलेटर पे करें सॉल्व। 19 इशारिया ये कैरिंग वैल्यू है उस इक्विपमेंट की जिसको आपने बेचा, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप डिस्पोजल की एंट्री डाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 2016 की कितनी डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर, तो ये 0.95 वाली जो है ये 5% जो है ये है 6 माह की डेप्रिसिएशन। इसके बाद जो कैरिंग वैल्यू आ रही होगी उसका 0.05% ले लेंगे तो वो 6 माह की डेप्रिसिएशन आ गई, क्योंकि 10 को अगर आप हाफ करेंगे तो 5 ही बनेगा ना, यानी कि 10% लेके 6/12 करेंगे तो इसका मतलब आप इफेक्टिवली 5% ले रहे हैं ना, तो 0.05। ये देखें ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 100 है तो मैं 100% में से माइनस करता हूँ 10%, तो बाकी बचता है 90%, परसेंट खत्म करें तो 0.9। इसी तरह यहाँ पर 0.9, दो दफ़ा मल्टीप्लाई किया 0.9 से, 2 साल बाद की कैरिंग वैल्यू आ गई। आपको 2.5 साल बाद वाली चाहिए, एक दफ़ा 5% माइनस कर दिया, 5% माइनस करना है तो इसका मतलब बाकी बचेगा 0.95, 95%, तो आपके पास वो वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। इस तरह से भी कैलकुलेशन एग्जाम में आपने अपने आप को टाइम जब आपने बचाना है तो आपने इस तरह के अल्टरनेट मेथड जो है वो भी यूज़ करने हैं टू कैलकुलेट द लॉन्ग कैलकुलेशन। अदरवाइज आप 1 साल, फिर 2 साल, फिर 6 महीने और फिर आपके पास कैरिंग वैल्यू आएगी एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक हो गया।